एक कंज्यूमर होने के नाते हमें क्या चाहिए? आफ्टर सेल सर्विस अच्छी होनी चाहिए। अगर हम लोग किसी ब्रांड का फ़ोन ख़रीद ले या फिर किसी भी ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट हम लोग बाई कर रहे हैं, तो उसकी जो आफ्टर सेल सर्विस होती है, फ़ोन परचेज़ करने के बाद उसकी जो सर्विस होती है, वो हमें अच्छा देखने को मिले, तभी वो ब्रांड सक्सेस होता है, तभी वो ब्रांड कामयाब होता है। अगर आपका कंज्यूमर आपसे खुश नहीं है, आपके आफ्टर सेल सर्विस के बाद खुश नहीं है, तो वो ब्रांड कभी भी सक्सेस नहीं करेगा। और दोस्तों, इसी बातों का ध्यान रखते हुए शाओमी ने यहाँ पर एक अच्छा कदम यहाँ इनिशिएट किया है। जो लोग ये सभी पर्टिकुलर डिवाइस को यूज़ करते हैं, उनके फ़ोन में 2 साल की वारंटी यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है। और अगर वो लोग मी 11 अल्ट्रा की डिवाइस को यूज़ करते हैं, तो उन्हें यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दिया जा रहा है, पैकेज दिया जा रहा है। सब कुछ के बारे में आगे इस वीडियो में बात करूँगा। उससे पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है, तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। और कमेंट में अपना राय ज़रूर रखिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है, और ये जो इनिशिएटिव हमें शाओमी की तरफ से देखने को मिला है, ये कैसा लगा है। बाकी अगर जो डिवाइस हमें शाओमी की तरफ से देखने को मिला है, यानी शाओमी की तरफ से कुछ दिन पहले उनके जो डिस्कॉर्ड सर्वर पर एक फ़ैन मीटअप हुआ था, जहाँ पर उन्होंने रेडमी नोट 10 प्रो, नोट 10 प्रो मैक्स और पोको X3 प्रो, ये दो डिवाइसेस में हमें कैमरा में काफ़ी सारी दिक्कत देखने को मिल रहा था। फ्रंट कैमरा काम नहीं करता था, और हम लोग सर्विस सेंटर जाते थे तो हमें यहाँ पर एक ही बात सर्विस सेंटर वाले बोलते थे कि हमें यहाँ पर हमारे फ़ोन का जो मदरबोर्ड है वो डेड हो चुका है, और उसे रिपेयर करने में हमें यहाँ पर चार्ज पे करना पड़ेगा। तो इसी के रिगार्डिंग दोस्तों, एक फ़ैन मीटअप हुआ था डिस्कॉर्ड सर्वर पर, और वहाँ पर जो शाओमी के हेड है, वहाँ पर जो सीनियर स्पोक पर्सन वगैरह है, उन्होंने वहाँ पर बताया कि अगर आपके पास रेडमी नोट 10 की सीरीज़ है, आप पोको X3 प्रो है, तो आपका फ़ोन यहाँ पर 2 साल के लिए आपकी जो वारंटी यहाँ पर एक्सटेंड किया जा रहा है। यानी आपका जो परचेज डेट है, उस डेट से लेकर आपको जो ब्रांड वारंटी मिलता है 1 साल का, उसके अलावा आप लोग को उसके ऊपर एक और साल की एक्सटेंडेड वारंटी देखने को मिल रहा है, अगर आपके पास ये पर्टिकुलर डिवाइसेस है। Hello, this is your friend Murli once again. At Xiaomi, the quality of our product, services, and the eventual customer experience that we offer is not just important, but it is something that we consider a fundamental pillar of the way we operate. And it's very similar with our services, be it customer support or after sales. There have been issues where people have had failures with their phones, and we believe it is our responsibility to react to that situation and take care of the interests of our consumers. Towards this, I'd like to announce that we are extending the warranty of few select devices, the Redmi Note 10 Pro, the Redmi Note 10 Pro Max, and Poco X3 Pro will have 2 years of warranty. That's one additional year of warranty as compared to the standard 1 year warranty. और अगर आपके पास मी 11 अल्ट्रा है, और उसमें आप लोगों को वाईफाई की इशू आ रहा है, तो उसमें आप लोगों को शाओमी 12 प्रो अपग्रेड किया जा रहा है, या फिर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट देकर शाओमी 100 प्रो देखने को मिल जाएगा। और जो लोग ऑलरेडी मी 11 अल्ट्रा में इशू आने की वजह से, वाईफाई की इशू आने की वजह से ऑलरेडी शाओमी 12 प्रो पर अपग्रेड कर चुके हैं, और वो लोग एक्स्ट्रा जो पेमेंट यहाँ पे पे भी किए होंगे, तो आप लोग सर्विस सेंटर विजिट करिए, या फिर ट्विटर पर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाकर कमेंट करिए, आप लोगों को रिफंड देखने को मिल जाएगा। And not just that, for users of Mi 11 Ultra who are facing a problem with Wi-Fi on their device, we are offering two options. One is a free upgrade to the Xiaomi 12 Pro or an upgrade to the latest flagship device from Xiaomi, the Xiaomi 13 Pro, co-engineered with Leica, for a small incremental cost of 30,000 rupees. Now, there have been a few users who've paid an incremental upgrade amount earlier to upgrade to the Xiaomi 12 Pro. For those users, please get back in touch with us. We will refund the small amount that you have paid to upgrade your device from Mi 11 Ultra to the Xiaomi 12 Pro. Once again, this is specifically for people who are facing an issue with Wi-Fi on their Mi 11 Ultra. Please visit the nearby service center and we will ensure that your device is covered under the 2 year extended warranty policy from the date of purchase of your device. तो ये जो सारी बातें मैं आप लोगों को बताया हूँ, इसका सोर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों के पास ये सभी डिवाइसेस है, तो आप लोगों को तो यहाँ पर एक्सटेंडेड वारंटी या फिर आपका फ़ोन यहाँ पर अपग्रेड हो जा रहा है। पर जिन लोगों के पास ये डिवाइसेस नहीं है,
कोई दूसरी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं और उनके फ़ोन में भी इस तरह की इशू देखने को मिल रहा है, उनके फ़ोन में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो वो लोग कमेंट में यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं कि उनके पास कौन सा फ़ोन है, उनके फ़ोन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, वो सब आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप लोग सोशल मीडिया पर शेयर करिए और Xiaomi इंडिया को टैग करिए, उनके जो हेड है उनको टैग करिए, ताकि उन लोगों को मालूम चले कि इन डिवाइसेस के अलावा हमारे इन डिवाइसेस में भी प्रॉब्लम है। जैसे दोस्तों Xiaomi 12 प्रो में रियर कैमरा में जो फॉग देखने को मिलता है उसमें भी बहुत से यूज़र हैं। अगर आप लोग Xiaomi 12 प्रो के यूज़र हैं, अगर आपके फ़ोन में कैमरा फॉग की इशू देखने को मिल रहा है, तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, कमेंट कर सकते हैं कि आपके फ़ोन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, उनको सोशल मीडिया पर शेयर करिए, उनको टैग करिए, Xiaomi इंडिया को टैग करिए कि हमारे फ़ोन में ये सारी दिक्कत आ रही है, हम लोगों को भी यहाँ पर सर्विस चाहिए, हम लोग को यहाँ पर रिपेयर चाहिए। क्योंकि एक कंज्यूमर होने के नाते हमें अगर आफ्टर सेल सर्विस अच्छा नहीं मिलेगा तो हम लोग उस ब्रांड पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करेंगे, और वो ब्रांड कभी भी यहाँ पर सक्सेस नहीं।